हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो वर्किंग कैपिटल का हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बेसिक से सम से अभी थोड़ा टफ में आ गया, राइट। इसमें एक दो चीज़ नया दिया है। तो वर्किंग कैपिटल में क्या है मालूम है, क्वेश्चन कंजेस्टेड आता है। बच्चों लोगों को करा था, कभी कभी बच्चे लोग भूल भी जाते हैं, फिर उनके लिए वापस रिवाइज करना पड़ता है। तो आज आप स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में स्टॉक आता है, स्टॉक में रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे आलू हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, उसको तेल में डाला, फिनिश गुड मतलब वड़ा पाव बन गया ना, फिर डेटर, कैश, ये अपना एसेट्स हो गया। क्या हो गया? एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज मतलब छोटा मोटा कर्जा। इन दोनों को माइनस करके अपना फाइनल आंसर आने वाला। पूरा खेल इस पे, फिर किस पे क्या बांटना है और स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो कंपनी का प्रोडक्शन साल भर कितना हुआ, 180,000। मतलब कंपनी ने साल में 180,000 माल बनाया और बेचा, तो 180,000 साल का यूनिट्स है ना। फिर उसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में देखो डेज है कि मंथ है कि वीक्स है। अगर क्वेश्चन में मंथ रहता ना, मंथ जहाँ डेज लिखा है, तो 12 से डिवाइड करते हैं। पर क्वेश्चन में क्या दिया? डेज दिया। क्या दिया? डेज 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 डेज। तो साल में कितना दिन होता? 365। पर इधर बोला 360 लो, कितना लो? तो अभी अपनों को किससे डिवाइड करेंगे? 360। अगर मंथली रहता तो 12 से डिवाइड करते। मंथली रहता तो किससे डिवाइड करते? 12 से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 180,000 डिवाइड बाय 360 किया तो एक महीने का, सॉरी एक दिन का कितना हुआ प्रोडक्शन? 500। लिखा पर डे। क्या लिखा? पर डे। ये हो गया 500 जो यूनिट्स है ना, वो सबसे मल्टीप्लाई होने वाला, ठीक है। फिर अपने बाद ना यूनिट्स के बाद है ना कॉस्ट स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये रेट अपने को मिल जाएगा, अपना काम आसान होगा। तो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को ऐड करेगा तो टोटल कॉस्ट मिलेगा, उस पर प्रॉफिट ऐड करेगा तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो इधर दिया रेट क्या, रॉ मटेरियल कितना दिया? 9 रुपया दिया ना, तो रॉ मटेरियल की जगह पर 9 रुपया डालूंगा। लेबर कितना दिया है? 4 रुपया दिया है, तो लेबर की जगह पर 4 डालूंगा। और ओवरहेड्स छोटा मोटा खर्चा 6 रुपया दिया है, तो 9 और 4 13 हो गया। 13 और 6 कितना हो गया? 19 है ना। ये हो गया टोटल कॉस्ट। ये तीनों को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। अब इसमें कुछ ना कुछ और दिया रहेगा। इधर बोला सेलिंग प्राइस कितने रुपए का बेचा? 22। कितना का बेचा? 22। तो 22 नीचे लिखेंगे, 19 की चीज़ को 22 में बेच रहे हैं, तो 3 रुपये क्या हो गया? प्रॉफिट। तो इस तरह अपने को यूनिट्स भी मिल गया, कॉस्ट स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया, राइट। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व किया, सेकेंड किया, थर्ड किया। अभी अपना एडजस्टमेंट फोर्थ से चालू होता है, मतलब सम अपना इधर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी एक एक आइटम पढ़ेंगे, एक एक एंट्री हम लोग क्या करेंगे? पास करेंगे। फिर कैलसी में मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा, राइट। कहना तो मल्टीप्लाई करने ले, जो मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई करना। चलो आ जाओ। तो मेरा स्टूडेंट बेटा है तो अभी मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा, ठीक है। रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज ऑफ 30 डेज। इधर क्या वर्ड बोला है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? स्टॉक होता है ना, तो वो स्टॉक के बारे में बोला। तो सबसे पहले क्या लिखने का? 500 लिखने का। क्या लिखने का? 500। सिंपल। फिर इधर कितना टाइम बोला है रॉ मटेरियल का? 30 दिन। कितना बोला है? यूनिट के बाद टाइम लिखा, फिर रेट लिखने का। रॉ मटेरियल का कितना रेट है? 9 रुपया। इधर कितना देगा? 9 रुपया। यूनिट्स लिखने का, टाइम लिखने का, रेट लिखने का, रॉ मटेरियल, इसके इसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 135,000। सिंपल। तो पहली लाइन रॉ मटेरियल का हो गया 30 दिन का। अभी ये क्या वर्ड बोला है? मटेरियल आर इन प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है? तो बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगता है। तो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और हमेशा रॉ मटेरियल को 100% देने का और लेबर ओवरहेड को 50%, क्योंकि कंडीशन क्या है? रॉ मटेरियल पूरा इस्तेमाल होता है, लेबर ओवरहेड 50-50 होता है, ठीक है। तो कितना बोला है प्रोसेस? 15 डेज। कितना बोला है? तो पहले 500 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 500, 500, 500, 500। फिर टाइम लिखेंगे। टाइम कितना बोला है? 15 दिन है ना, इधर रहेगा 15, 15, 15। सिंपल। फिर रेट लिखेंगे 9, 4, 6, 9, 4, 6। फिर क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100% दबा देंगे। क्या दबा देंगे? 100%। तो आपको आंसर मिलेगा 67,500। फिर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7,500 करना मल्टीप्लाई। 500 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7,500 आएगा, 7,500 को 4 से करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नहीं, 15,000, क्योंकि 15,000 का क्या करने का? 50% दबाने का, राइट। और थर्ड वाला जैसे 500 है, इंटू 15 करेंगे, इंटू 6 करेंगे, फिर इंटू के बाद 50% दबा देंगे तो 22,000 क्या आ जाएगा? 500। तो 22,000 क्या आ जाएगा? 500 हो जाएगा। तो ये क्या मिला अपने को? रॉ मटेरियल मिला, और ये तीनों क्या मिला? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मिला और क्या आता स्टॉक में? फिनिश गुड्स आता है। क्या आता है? तो इधर देखो क्या बोला है, फिनिश गुड्स। क्या बड़ा है? फिनिश गुड्स। कितना एवरेज बोला? कितना दिन बोला? 30 दिन। तो पहले क्या लिखेगा अपन फिनिश गुड्स में? हर एक में क्या लिखने का? 500 लिखने का है। टाइम कितना बोला है फिनिश गुड्स में? 30 दिन। तो इसलिए क्या लिखेंगे? 30 दिन लिखेंगे, राइट। फिर बाद में फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है? बनाने के लिए क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड।
तो फिनिश गुड्स में तीनों लेंगे, तो याद रखना फिनिश गुड्स में क्या आएगा टोटल कॉस्ट, तो ये रेट है ना फिनिश गुड्स लेगा 19 रुपया। तो हमने कितना लिया 19, और 19 बड़ा बना दिया, आपको याद रहेगा ना, क्योंकि बनाने के लिए तीनों लगता है ना यार ये, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो इसको 285,000 का, कितना गया 285,000। अभी मैं क्या करूँगा ये सबको ऐड कर दूंगा, बाहर डाल दूंगा, तो मेरे को स्टॉक का अमाउंट मिल जाएगा 135,000 टाइप कर, ये 67,500 को ऐड करूँगा, 15,000 को ऐड करूँगा, 22,500 को ऐड करूँगा, फिर 285,000 को ऐड करूँगा, तो मेरे को मिलेगा 525,000 वो स्टॉक का अमाउंट गया। किसका आ गया? स्टॉक का। तो अभी हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स किया है, अब इधर क्या बोला है मालूम है क्या? सेवन्थ में देखो क्या बोला है, क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर, क्या बड़ा है। तो सप्लायर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, जिससे हम लोग माल खरीदते हैं, तो सप्लायर मतलब खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से, तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर होता है, सप्लायर मतलब क्या होता है, क्रेडिटर। तो पहले लिखेंगे 500, क्या लिखेंगे 500। सप्लायर ने कितना उधारी दिया अपने को 30 दिन, कितना उधारी दिया 30 दिन, देखो ना 30 डेज लिखा है ना सेवन में, कितना दिन बोला है 30 दिन, 30 लिखेंगे। और सप्लायर से हम लोग क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल बोले तो कितना रुपया आएगा 9 रुपया का, तो 9 रुपया किसके लिए आएगा, क्रेडिटर के लिए आएगा। तो 5 3 15 15 9 है राइट 135, सिंपल। अब बहुत मेन सीन है, ध्यान देना है, टाइमिंग लैग इन पेमेंट कस्टमर 60 दिन, इधर क्या बड़ा है कस्टमर, तो आपको मालूम होना चाहिए डेटर को क्या बोलते हैं, डेटर को माल बेचते हैं, और जिसको माल बेचते उसको क्या बोलते हैं कस्टमर, क्या बोलते हैं उसको कस्टमर। तो कस्टमर मतलब डेटर हो गया, डेटर मतलब करंट एसेट, पहले 500 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 500। टाइम कितना बोला कस्टमर को 60 दिन, कितना दिन बोला है 60 डेज बोला ना, इसलिए डेटर में कितना दिन है 60 है। और डेटर के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस लेने का रहता है, डेटर को सेलिंग प्राइस आता है ना 22 राइट। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इधर पढ़ो 16 लाइन क्या बोला है, एस्टिमेट डेटर ऑन कॉस्ट बेसिस, क्या बोला है cost. अभी इधर कॉस्ट बोला है, इसलिए अभी अपन सेलिंग नहीं लेंगे कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट कितना है 19, इसलिए इधर 19 लिखेंगे, हमेशा सेलिंग प्राइस लेने का। बट हमारे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, डेटर ऑन कॉस्ट, इसके लिए मैंने 22 की जगह पे क्या लिया 19, क्योंकि कॉस्ट क्या है 19 है। अभी भी ये राइट नहीं है, अभी अपने को कंडीशन देखने का, इधर क्या बोला है मालूम है क्या, अब सुनो, क्योंकि ना एक एडजस्टमेंट है 11, उधर क्या बोला था, जितना भी सेल हुआ है और ऑन क्रेडिट सब उधारी पे, सिर्फ 10% कैश पे, 10% कैश, तो 10% रोकड़ा हो गया, तो 100 में से 10 गया तो 90 आएगा ना, तो इधर 90% डालेंगे अभी, तो 90% उधारी हो गया। अगर इधर 20% रहता कितना रहता, तो फिर इधर 80% आता, 100 में से 20 गया तो 80, अगर इधर 25% रोकड़ा होता तो इधर 75 आता, तो 10% रोकड़ा है इसलिए 90% आएगा राइट। और इधर क्या बढ़ता, सेल था क्या था, अगर इधर परचेस बोला रहता तो क्रेडिटर को सॉल्व करते, परचेस बोला रहेगा तो क्रेडिटर पे लेने का, और सेल बोला रहेगा तो डेटर पे, और इधर क्वेश्चन में कितना परसेंट बोला था 10%, तो 100 में से 10 गया तो कितना है 90। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 500 लिखेंगे, 10% रोकड़ा था तो 90% उधारी हो गया, 60 दिन था और टोटल कॉस्ट क्रेडिट, तो ये आ गया 5,19,000 की, 5,13,000 कितना आ गया, किसका अमाउंट आ गया डेटर्स का। तो ऐसा एडजस्टमेंट था। इधर बोला लेबर ओवरहेड टाइम लैग, टाइम लैग, टाइम लैग मतलब बाकी है, तो लेबर को मतलब पगार देना है, ओवरहेड मतलब खर्चा, तो ये कर्जा होता है, तो हमेशा कितना ले, कितना बोला इधर 500, कितना बोला ये 500. इधर लिखेंगे 500, इधर भी क्या लिखेंगे 500, कितना टाइम बोला है मालूम है क्या, 15 दिन लेबर का, ओवरहेड का 30 दिन, तो लेबर पे कितना दिन आएगा 15, और ओवरहेड पे 30, लेबर बोले तो वेजेस बोले तो ये आएगा 4 रुपया, और ओवरहेड बोले तो 6 रुपया आएगा, कितना आएगा 6। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 15,500, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो 30,000 आ जाएगा, 7.5 और 7.5 को 6 से कितना आ जाएगा 5,500 को 30 × 6 90,000, कितना आ जाएगा 90,000, ओवरहेड्स का कितना आ गया 90,000। अब हमने क्या किया 8, 9, 10, अब इधर बोला है 10% और क्रेडिट, 10% क्रेडिट और 10% कैश था, तो इधर 90% हो गया, मतलब ये लाइन ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद बोला कैश, कैश कितना है 67,000, तो 67 डायरेक्ट लिख देंगे। अब मेन एडजस्टमेंट सुनो, प्रोडक्शन एंड सेल्स और इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, साल भर चीज़ बनती गई बिकती गई, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, वटा दो। लेबर ओवरहेड इवन ड्यूरिंग प्रोसेस पीरियड, इसको भी वटा दो, नंबर नहीं दिया तो छोड़ देने का ना। और कंपनी कितना कितना दिन काम किया 360, इसके लिए 360 यहाँ इस्तेमाल किया राइट। और डेटर क्या लेने का था कॉस्ट, तो इसके लिए सेलिंग नहीं लिया, क्या लिया कॉस्ट, कॉस्ट कितना था 19 लिया राइट।
अभी अपने को मेन वर्किंग कैपिटल सॉल्व करने का, तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट, तो इसको ऐड कर दूंगा तो 11,05,000 आएगा, 11,05,000 आएगा, और ये टोटल कर लूँगा तो ये 255,000, कितना है 255,000। तो ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स और ये लाइबिलिटी दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 8,50,000 आएगा। क्या आएगा, ये हो गया तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, क्या हो गया तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। इस तरह तुम्हारा मैंने 11 मिनट में 15 मार्क दे रहा था, ठीक है, तो समझा स्नेहा? हाँ। इजी वन साइड एकदम, अभी समझा गया? चलो थैंक यू।